एक तरफ से कहा जा रहा है कि मिनवान इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, इलेक्शन कमीशन का आज पांचवें रोज़ भी इजलास जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारर साहब ने कहा कि इबहाम मज़ीद बढ़ गया है इस जजमेंट के बाद और मामला तो अब रिव्यू पर चला जाएगा। सलीम साफी साहब क्या समझते हैं, क्या मामला लटक गया मजीद या फिर कुछ क्लेरिफिकेशन आई है और अब अमल दरामद होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो अब मामला वाजी हो गया है और मैं नहीं समझता कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इबहाम मजीद बढ़ गया है। इबहाम वैसे पैदा भी खुद जुडिशरी ने किया था कि जब एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था और फिर उसके बाद सुन्नी तहरीक दरमियान में इंटर हो गया, अगर उस वक़्त अदलिया वो फैसले ना करती तो फिर ये चीज़ें ना होती। लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये लिख दिया है और ये हिदायत दी हैं कि सीटें उनको दे दी जाएं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत इसमें जितनी मुज़ाहमत करती रहेगी अपने लिए हजीमत का सामान पैदा करती रहेगी। ठीक है, इसलिए उनको चाहिए कि दिली के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लें। सर एक और तासुर लोगों में जो जिसका इजहार किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि शायद जजेस वर्सेस जजेस या सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का तासुर उभर रहा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ इसके अलावा भी उससे भी, क्या आप इससे इतफाक करते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? नहीं, वो तो जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ है, ग्रुपिंग है और वो एक फैसले में नहीं बल्कि वो मुख्तलिफ इकदामात में हमें नज़र आता है। अभी आप देखें कि परसों जब कमेटी बनाई चीफ जस्टिस साहब ने तो आज उसमें मंसूर साहब नहीं बैठे और मंसूर साहब ने अब उसके खिलाफ खत लिख दिया, तो जो मामला खतूत के सतह पे चल रहा हो तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि उनमें उत्तेफाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर का इख्तलाफ और ये फैसला अलग चीज है। इसमें तो वाज़े अक्सरियत ही फैसला है जो कि पीटीआई के हक में दिया गया है, इसमें तो कोई इबहाम इसलिए नहीं होनी चाहिए ना, उस इख्तलाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भट्टी साहब आप क्या होते हुए देख रहे हैं, क्या बहरान टल गया आज के फैसले से या फिर आपको मजीद इसमें कुछ शिद्दत लग रही है? जी मैडम शेख, सबसे पहले बुरान पर बात करने से पहले ज़रूर बात करना चाहूँगा ये 70 सफाती तफसीली फैसले पर। कबाल का फैसला है, क्या खूबसूरत फैसला लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और मुझ जैसे आम आदमी के लिए और मैडम शेख आपके लिए तो शायद आपको तो समझ आ गया होगा, मुझे भी समझ आ गया है, यानी ये मंसूर अली शाह साहब का कमाल है और हर चीज़ का जवाब दिया इस फैसले में। इलेक्शन कमीशन पर बात हुई, पिशावर हाई कोर्ट पर बात हुई, दो जज साहबान का जो अकलीती फैसला था उसमें जो शाइस्तगी और तहमल नहीं था उस पर बात हुई, और ये जो एक बयानिया बना हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और मिल गई सीटें पीटीआई को, इस पर बात हुई, और जो काजी फैज ईसा साहब ने अभी रजिस्ट्रार से 9 सवाल पूछे ये वजाती आर्डर पर, 8 जजेस के वजाती आर्डर पर, उस पर बात हुई, यानी हर चीज़ पर बात हुई और कमाल बात हुई। यानी इलेक्शन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनने के फैसले को, वो भी गलत फैसला था, लेकिन इस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा, मतलब अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। हैरत है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर केस लड़ता रहा। मेरे ख्याल इसके बाद तो कोई जमहूरी मुल्क होता कहाँ, थोड़ी सी मंतक असूल और होती, कहीं थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ होता, सारे इलेक्शन कमीशन घर जा चुका होता। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का फैसला 1 मार्च वाला आइनी आइन के मुतसादम। अच्छा, फिर पिशावर हाई कोर्ट का पे बात हुई कि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम, फिर जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन दो अकलीती जजेस पर उन्होंने कहा कि भारी दिल के साथ कह रहे हैं, ये बड़ा सुनने वाला है, आप अक्सर मुझे इस बात की तलकीन करती हैं रिपोर्ट कार्ड में, यही तलकीन हो रही है कि इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफी राय हो सकता है, लेकिन शाइस्तगी तहम्मुल ये जजेस का आला अदालतों में मयार नहीं है, जो ये जिस तरह का ये आया और इस ये कंडक्ट का जो पैराग्राफ होता है, कंडक्ट का जो तरीकाकार होता है उससे बालातर है। और इसके बाद मैडम शेख अब आ जाइए कि बुहरान या उस चीज़ पर। अब मैडम शेख, अच्छा एक एक जुमला ज़रूर के वो जाय साहबान ने लिखा है कि पीटीआई की दरख्वास्त मौजूद थी मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थी या पीटीआई। खैर,
अब आइए, पहली बात तो ये मैडम शेख के बल्ला छीनना, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला, गलत फैसले की गलत तशरी की इलेक्शन कमीशन ने, यहाँ हो गई वोटर्स के तकद्दस की पामाली, ये मेरी राय। मेरी राय टू, इलेक्शन डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुई, यहाँ हुई वोट की इज्जत की पामाली। मेरी राय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना, यहाँ हुई आइन और अदलिया की पामाली। और मेरी राय ये है मैडम शेख कि ऐसा लग रहा है कि ये फैसला भी नहीं माना जाएगा, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद तकसीम पैदा होगी, ऐसा लग रहा है कि इस तकसीम से हुकूमत फ़ायदा उठाएगी। और बड़ी खूबसूरत और हसीन इत्तफाक है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है तब तब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, खा वो नवाज शरीफ साहब की सजाद अली शाह के दौर में, खा उमर अता बंदयाल के दौर में, शहबाज शरीफ PDM 1 या अब PDM 2। और मैडम शेख ये जो सुनी जा रही हैं बातें या सुनाई जा रही हैं, अगर फैसला मानना होता तो सीधा साधा फैसला था, पहले दिन ही मान लेते। नहीं मानना, दो आर्डर आ चुके हैं, इसके बाद ये जाएंगे उसमें अपील में या नज़रसानी में, और फिर उसके बाद अभी जो ये जो इससे भी बड़ा एक मामला हो गया है वह है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट, जिसके बाद मंसूर अली शाह साहब ना सिर्फ बैठे नहीं हैं बल्कि उन्होंने ख़त भी लिखा है। और ये सेम वही बात है जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे और इसी तरह के ख़त लिखा करते थे काजी फायजी साहब, और अब उनको उन्हीं खतों के दोबारा सामना है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आखिर पर मैं अपनी राय में नवाज शरीफ साहब की राय को इंक्लूड करता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी का केस था, नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब फरमा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यूसुफ रजा गिलानी, फैसला मानो, ये इंसानों की बस्ती है, हवानों की बस्ती नहीं। तो आज मैं नवाज शरीफ साहब समेत, शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी समेत, यूसुफ रजा गिलानी भी अहदे पर हैं, सदर जरदारी भी, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये इंसानों की बस्ती है, हवानों की नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो और इस मुल्क को मजीद तबाही से बचाओ। आपने दो चार सवालात उठाए और एक जो खदशा आपने जाहिर किया वो इंतहाई संजीदा। रीमा, अगर आप मुख्तसरन, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया है, ये बताएं अगर अमल दरामद नहीं होता इस फैसले के ऊपर तो उसके असरात क्या होंगे, क्या हो सकता है? अलीना, ये तो अब पॉलिटिकल डिस्कशन है, कोई भी स्पेक्यूलेट कर सकता है क्या असरात होंगे। मैं दो तीन चीज़ें अगर मजीद ऐड कर लूँ, लीगली नहीं पॉलिटिकली। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है ये बहुत रिस्ट्रेंड मेजॉरिटी का ऑर्डर है, रीजनिंग है, जो जिस एक्सटेंट तक वो जा सकते थे इलेक्शंस पे ही सवालिया निशान उठाने पे वो नहीं गए। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखा रिजर्व सीट्स के मामले पे, और सिंबल ना मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो पूरा कॉन्डक्ट था उस तक वो मजीद उन्होंने पीछे की बातें आगे जो सब कुछ हुआ उस तक नहीं गए, ये रिस्ट्रेंट दिखाता है मेरी नजर में। दूसरा ये भी एक सवाल था कि अगर रिजर्व सीट्स जो हैं वो अब शुरू से ही PTI की थी तो कुछ महीने, दो महीने बीच में थे शायद, एक डेढ़ महीना, जब रिजर्व सीट्स जो हैं बाकी पार्टीज में तकसीम कर दी गई थी। अदालत ने कहा मई तक वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, हम उसको फिर से नहीं खोलेंगे और फिर सवाल नहीं उठाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, सेनेट के इलेक्शन, जो उस उन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन उससे पहले जो सारा मामला था उसमें हम नहीं जाएंगे, उसे नहीं खोलेंगे मई तक, जब ये रिजर्व सीट्स का फैसला इलेक्शन कमीशन का उसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। तो ये भी दिखाता है कि रिस्ट्रेंट का। तीसरा, अदालत ने सवाल उठाए हैं उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जिसमें PTI को कहा गया था कि सिंबल नहीं मिल सकता, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं गए। वहां उन्होंने कहा, जस्टिस मजर ने कहा, क्योंकि ये सब जुडिस है, रिव्यूज का पेंडिंग है तो हम इस पे मजीद बात नहीं करेंगे। इसके अलावा पूरा डिटेल में वो गए हैं कि हम क्यों वो अग्री नहीं करते चीफ जस्टिस साहब से, क्यों वो अग्री नहीं करते जस्टिस आफरीदी के ओपिनियन से, जस्टिस मंदोखेल के ओपिनियन से। ये एक खूबसूरती है मेरा ख्याल इस जजमेंट की, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टफुली किया है बाकी जजेस से इस इशू पे। तो जब हम कह रहे हैं ना वो जस्टिस अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन वाला, उस पे एतराज किस चीज पे है, ये कहना दो जजेस का कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी मानते हैं आप उस पे अमल दरामद ही ना करें। ये इंडिविजुअल्स का मामला नहीं रह जाता जब डिसेंट में ये बात आती है, ये ओवरऑल एक सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी का मामला बन जाता है, जिसपे मुझे लगता है एक अपनी राय देना जरूरी था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें मुझे इस फैसले में, इसलिए मुझे हुकूमत पे ये सवाल है कि वो क्या पैनिक मोड में थे, क्या उन्हें लग रहा था हो जाएगा, क्योंकि इस फैसले में लगता है कि ये जजेस
एक्टिविस्ट जजेस जिन्हें हम कहते हैं या एडवेंचर करने वाले जजेस वो नहीं है, उन्होंने बहुत एक रिस्ट्रेन के साथ ये फैसला लिखा है जो मेरे ख्याल इसकी खूबसूरती है। सलीम साफी साहब, क्या ये मामला अब लटका रहेगा, रिव्यू तक जाएगा, या आपको लगता है कि उससे पहले भी कुछ हो सकता है? क्या अदालत की तरफ से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रेंट दिखाया जाएगा, या ये क्या हो सकता है इसके नतीजे में? देखिए, रिव्यू में तो हुकूमत जाने का इरादा रखती है क्योंकि दायर भी हो चुका है दायर भी हो चुका हुआ है जी तो वो तो हुकूमत इरादा रखती है, लेकिन मेरे ख्याल में रिव्यू में भी उनको कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सकता जिस तरह जजमेंट की तफसीलात आज प्रोग्राम में डिस्कस हुई। लेकिन बहरहाल हुकूमत अपनी आखिरी हद तक कोशिश तो करेगी, लेकिन जहां तक ये दो जजेस की राय का ताल्लुक है तो देखिए, ये तो हम जैसा आम आदमी भी जो कि कानून से नाबलद हो वो भी ये समझता है कि अगर फैसले में अगर वो 3-2 से भी हो जाए और सिर्फ एक जज भी उस तरफ ज्यादा हो तो उस पर अमल दरामद फर्ज होता है। तो एक जज की तरफ से एक अक्सरियती फैसले के बारे में ये कहना कि इसको मानना नहीं चाहिए, ये बहुत अजीब है।